हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए तोरण डिजाइन बनाया है। आज की वीडियो में हम इसे बनाना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे नोट लगा लेंगे। अब 13 चैन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 चैन बना ली। अब 3 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1, 2, 3। अब 3 चैन छोड़ के चौथे वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब प्रत्येक चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरा करेंगे। ये देखिए हमने एक लाइन बना ली है। ये हमारी तोरण पट्टी है। ये हमारी टोटल 14 डबल क्रोशिया हो गई। अब 3 चैन बनाएंगे, ऐसे घुमा लेंगे इस वाले को छोड़ के। अगले वाले पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम पूरा करेंगे। ये हमारी तोरण पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमने तोरण पट्टी की 2 लाइन कंप्लीट कर ली है। हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, ऐसे घुमा लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरी पट्टी को कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया,
डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम पूरी पट्टी को कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशिया, ऐसे बनाते हुए हम अपनी पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ये हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई। अब धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी इतनी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। दूसरे कलर की ऊन लेंगे। और ऐसे तीन चैन बना लेंगे। ऐसे तीन चैन बना लेंगे। अब इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारे टोटल इसमें तीन डबल क्रोशिया हो गई। अब एक चैन बनाएंगे। एक लाइन को छोड़ के अगली लाइन में हम फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक लाइन को छोड़ के अगले वाले में हम फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक लाइन छोड़ देंगे और अगले वाले में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे तीन डबल क्रोशिया बना के फिर से हम एक चैन बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए हम चारों तरफ की किनारी को कंप्लीट कर लेंगे। एक चैन बनाएंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया। अब हम दो चैन बनाएंगे और इसको यहाँ पे
बंद कर देंगे और धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। ऐसे दो चैन बना लेंगे। हमने दो चैन बना ली। अब तीन बार धागा घुमाएंगे और अगले वाले में से निकाल कैसे बनाएंगे। अब फिर से दो चैन बना लेंगे। फिर से तीन बार धागा घुमाएंगे और इसी में से निकाल के इसको बना लेंगे। फिर से दो चैन बनाएंगे। फिर तीन बार धागा घुमाएंगे और इसी में से निकाल के बनाएंगे। ऐसे हम टोटल छह बनाएंगे। फिर दो चैन बना लेंगे। फिर तीन बार धागा घुमाएंगे और इसी में से फिर से निकाल लेंगे। फिर दो चैन बनाएंगे। फिर तीन बार धागा घुमाएंगे। फिर दो चैन बनाएंगे। फिर तीन बार धागा घुमाएंगे और इसी में से निकाल के इसको बना लेंगे। ये देखिए हमारा टोटल ये छह बन गई है। अब हम दो चैन बनाएंगे, 1 2, और अगले वाले में डाल के इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से दो चैन बनाएंगे और तीन बार धागा घुमा के दो लूप छोड़ते हुए और अगले लूप में हम इसे डाल के ऐसे बनाएंगे। Thank you.
ये देखिए मैंने 3 बना ली है। अब ऐसे हम पूरे को कंप्लीट करेंगे, ऐसे बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने बना लिए हैं, ये टोटल मेरे 12 बने हैं। ये देखिए टोटल ये 12 बने हैं। अब इसमें हम डिजाइन में बनाएंगे। ऐसे निकालते हुए हम 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक हमने चैन बनाए थे। टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगले वाले में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। अगले वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बना के 3 चैन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसमें हम 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब इसी में हम 2 बार फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। बगले वाले में हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगले वाले में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया। अब इसमें हम चैन नहीं बनाएंगे, अब इसमें हम सीधे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। अगले में फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। देखिए हमने 2 में 3-3 डबल क्रोशिया बना लिए। बीच वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसमें हम 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब इसी में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। अगले वाले में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने 2 पैटर्न रेडी कर लिए हैं।
अब ऐसे ही बनाते हुए हम इसे पूरा करेंगे। ये देखिए हमने ये पूरा कर लिया है, ये हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में फिर सिंगल क्रोशिया। अब इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना के पांच चैन बना लेंगे। पांच चैन बनाएंगे, 2, 3, 4, 5। अब तीन बार धागा घुमाएंगे और सेम वैसा ही पैटर्न हम इसमें बना लेंगे। ये देखिए हमने पांच बना लिए हैं। अब इसमें हम पांच चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके साइड वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारे 6 कंप्लीट हो गए हैं, हमारा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। अब ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम अपना पैटर्न बनाएंगे।
सिंगल क्रोशिया। अब पांच चैन बनाएंगे। अब फिर से तीन बार धागा लपेटेंगे। अब इसमें हम अपना पैटर्न बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे बनाते हुए हम अपना पैटर्न इसमें बना लेंगे। ऐसे इसमें हम अपना पैटर्न बनाएंगे। तीन बार धागा घुमाएंगे और ऐसे निकालते हुए इसे बना लेंगे। दो चैन बनाएंगे, फिर से तीन बार धागा घुमाएंगे और ऐसे बना लेंगे। फिर से दो चैन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे तीन बार और ऐसे फिर से बना लेंगे। ये देखिए, हमारे पांच बन गए। अब हम पांच चैन बनाएंगे और साइड वाले में से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए हम छह पैटर्न बनाएंगे। अब इसमें से निकालते हुए हम फिर तीन चैन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब इसमें हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे इसमें टोटल तीन डबल क्रोशिया हो गए। अगले वाले में हम फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच वाले में हम दो डबल क्रोशिया बना के तीन चैन बना लेंगे। बीच में तीन चैन बना लेंगे, फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें आगे एक एक पैटर्न हम कम करते हुए जाएंगे। बिना चैन बनाए अगले वाले में हम फिर से तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। Thank you.
ऐसे फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगले वाले में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 2 पैटर्न बना लिए हैं। अब ऐसे बनाते हुए इसे हम पूरा करेंगे। ऐसे बनाते हुए हम 6 पैटर्न बनाएंगे। ऐसे 6 बना लेंगे। इसमें भी ये हमारे 6 पैटर्न बने हैं, इसमें भी 6 पैटर्न बनेंगे, फिर हमारे 5 पैटर्न, फिर 4, फिर 3, 2 ऐसे बनेंगे। ये देखिए, इसमें हमारे 6 पैटर्न है, इसमें भी हमारे 6 पैटर्न बने हुए हैं, इसमें 5 हमारे 5 पैटर्न है, फिर हमारे 4 पैटर्न है, इसमें हमारे 3 पैटर्न है, फिर हमने 2 पैटर्न बनाए हैं, ये 3 पैटर्न, 2 पैटर्न और 1 पैटर्न। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, हमारी एक साइड का पैटर्न बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम लटकन लगा देंगे। ऐसे लटकन लगा लेंगे। ऐसे लटकन लगा देंगे। ये हमारे एक साइड का पैटर्न तैयार हो गया है। अब दूसरी साइड में भी हम ऐसे बनाते हुए अपने पैटर्न को पूरा कर लेंगे। ये हमारे 6 पैटर्न बचे हुए हैं। अब इसमें हम 6 पैटर्न बनाएंगे, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, ऐसे एक एक कम करते हुए इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरे को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी तोरण बनके तैयार हो गई है।